हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में काफ़ी दिन से मैं इस वीडियो को बनाने की सोच रहा था, और इस वीडियो में डाटा एंट्री रिलेटेड जॉब है जो हाई स्कूल वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और डिग्री वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मतलब इसमें इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा कि अगर ये आपने ये चीज़ आपको आती है, आपने हासिल कर ली, आप स्टडी कर रहे हो, तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको डाटा एंट्री की जॉब तो बहुत ही आराम से मिल जाएगी। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ना तो आप बहुत ही इजीली बता दोगे। अगर आपको डाटा एंट्री की जॉब करनी है और आप जॉब सर्च कर रहे हो, आप सोच रहे हो आगे चल के कि हमें यही जॉब करनी है, तो ये चीज़ कर लोगे तो आपका करियर भी बनेगा और आपके इजीली जॉब लग जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, किसी के सामने कुछ कहना, अगर इंटरव्यू में बैठ गए तो जॉब लगना ही लगना है। इसके बारे में मैंने बताया है कि स्किल क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो बेसिक चीज़ें होती है एक डाटा एंट्री जॉब पाने के लिए, और लोग क्यों करना चाहेंगे डाटा एंट्री जॉब, ठीक है। इसमें क्या क्या आराम, सबसे पहले मैं स्किल्स के बारे में बात करना चाहूँगा। स्किल्स में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज होता है, कोई भी डिप्लोमा होता है, कोई भी कोर्स, एमएस ऑफिस, एक्सेल, टैली, पावर पॉइंट, जो भी होता है, इस चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। ये स्किल्स में आता है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा जो बेसिक होता है डाटा एंट्री जॉब के लिए, कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी स्पीड में, आप टाइपिंग में बहुत ही प्रोफिशिएंट हो, ठीक है ना, आपकी जो स्पीड है ना काफ़ी अच्छी हो जाए, होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए कि आप जल्दी से डाटा को अपने चेंज, अगर आपको कोई डाटा दिया गया हो तो काफ़ी स्पीड से आप उसको अपने सिस्टम में टाइप कर सकें, जिससे आप जो टाइप करने के बाद अपना उसको पेपर वर्क में निकाल सकें, ठीक है। तीसरे स्किल्स के बारे में बताना चाहूँगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आप बोलोगे इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे होती है, ठीक है आपसे, क्योंकि जो ऑफिस वर्क होते हैं ना ज़्यादा, फिलिपिनी, इजिप्शियन, अफ्रीकन ऑफिस वर्क में जो इस लाइन में होते हैं, मेरी कंपनी में ज़्यादातर यही सब हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस कंप्यूटर के लाइन में, ऑफिस लाइन में ये सब होते हैं, तो उनको इंग्लिश में होता है, काफ़ी डाटा जो होते हैं इंग्लिश में दिए जाते हैं, तो इंग्लिश में टोटल रहता है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए कि बात कर सको, बात समझ सको, और उसको देख के समझ पाओ कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। और कस्टमर सर्विस स्किल में कोई भी, जैसे आपको कहीं से भी किस डायरेक्ट कस्टमर का ही कॉल आ गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप किसी, मेरा एक दोस्त अभी जल्दी डाटा एंट्री जॉब में, दोस्त का भाई लगा हुआ है डाटा एंट्री जॉब में हुआ, तो वो गया, जहाँ पे ज्वाइन हुआ ना वहाँ सिर्फ वही है, ठीक है, ऑफिस में और कोई नहीं है, वो कॉल भी उसी के पास आती है, सब कुछ एक तरीके से देखा जाए डाटा एंट्री के नाम पे उससे पूरा अकाउंटेंट का काम लिया जा रहा है। तो इसमें मैं बताऊंगा लास्ट में कि ऐसा क्यों, ठीक है, डाटा एंट्री के नाम पे अकाउंटेंट का काम लिया जा रहा है। अब इसमें कस्टमर स्किल, कस्टमर डायरेक्ट उससे बात कर रहा है, डाटा उसको भेज रहा है, तुरंत वो डाटा को उसको टाइप करना पड़ रहा है, तो कस्टमर सर्विस मतलब आप उसको डिलीवर कर सको, आपको कोई फोन कर रहा है तो आप उसको जवाब दे सको, आप उसका डाटा अपने पास ले सको, ऐसा ना हो कि आप बोलो कि नहीं डाटा मेल करो, ये करो, अगर आप उससे कुछ भी बोला, कुछ भी भेजा, मेल ही करेगा ज़्यादातर, उस चीज़ को आप अपने सिस्टम में फिट कर सको। मल्टीटास्किंग में सभी आ जाता है, आपको इसके टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लोगों से बातचीत मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, अटेंशन डिटेल्स, मतलब कभी भी आपको कोई डाटा दिया जाएगा ना, तो जैसे एक डाटा आपको दिया गया, तो उसको डाटा को आप फीड करोगे, ठीक है, फिर पेपर वर्क निकालोगे, तो पेपर वर्क निकालने से पहले आपको अटेंशन, मतलब इतना ध्यान से उसको देखना कि ऐसा ना हो, क्योंकि आप कोई रिपोर्ट बनाओ, आप किसी मेडिकल लाइन में हो, किसी लेबोरेटरी में हो, किसी मेडिकल में ही मान लो, तो क्योंकि आप डाटा टाइप कर रहे हो ना, टाइप होके वो निकलेगा, ऐसा ना हो कि आपने गलत डाटा टाइप कर दिया, डेट गलत कर दी, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी, या कुछ भी ऐसा हो, तो हर चीज़ पे आपको अटेंशन रहना पड़ेगा। ये स्किल्स में आती, इतनी बहुत ही ज़्यादा इतना नहीं मांगे, अगर आपको इतना स्किल्स आपके पास है तो आप इजीली जॉब पा सकते हैं, स्किल बेस पे मैं बता रहा हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये स्किल्स, अगर आपके पास ये स्किल्स है ना तो आपको जॉब 100% मिलेगी, अगर आप इंटरव्यू में बैठ गए, इंटरव्यू में जॉब लगनी ही लगनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है जिनको ये भी नहीं आती उनको भी मिल जाती है जॉब, ठीक है, तो लेकिन आपको इतना आएगा तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना चाहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे
आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो जल्दी से मैं बताता हूँ। ट्रांसफर डाटा टू पेपर फॉर्मेट, आपको डाटा को डाटा जो आप टाइप करते हैं उसे पेपर फॉर्मेट में आपको निकालना होता है, ठीक है, समझ गए। टाइप इन डाटा डायरेक्ट टू डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर ने आपको डाटा दिया, आप उसको डायरेक्ट टाइप कर सको, जहाँ कहीं से भी आपको कॉल आया हो तो आप उस डाटा को फीड कर सको, कहीं पे नोट डाउन कर सको, ठीक है। ये जो मैंने पहले स्किल्स में बताया था यही चीज सेम यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होती है, ठीक है। वेरीफाइड डाटा द कंपेयरिंग सोर्सेज, या जो भी डाटा आपको कहीं से आया हो फिर आप उस डाटा, जैसे किसी ने मेल किया आप उसको आपने टाइप किया, फिर उस चीज़ को कंपेयर करोगे, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया, जैसे कि अटेंशन डिटेल्स मैंने बताई थी, तो आप उस डाटा को लेकर अटेंशन रहोगे, ठीक है। अपडेटिंग एग्जिस्टिंग डाटा, ठीक है, कोई भी डाटा आपके पास है, आपके एचआर ने, आपके सुपरवाइजर ने, आपके इंजीनियर ने, कुछ भी जो भी आपके ऊपर है, आपसे किसी ने कुछ भी मांग लिया, तो आप उस चीज़ के लिए अपडेट रहोगे, आप उस चीज़ को तुरंत के तुरंत प्रोवाइड कर सकोगे कि आपको मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ किस फोल्डर में है, ठीक, क्योंकि हर चीज़ को अपने हिसाब से आपको लेके चलना है। सामने वाले को नहीं पता होगा कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि ये इस फोल्डर में ये वाली फाइल्स के फॉर्मेट्स है, इस फोल्डर में ये वाली फाइल्स के फॉर्मेट। परफॉर्म रेगुलर बैकअप डाटा, आपके पास सभी का रेगुलर बैकअप डाटा एक होना चाहिए कि मान लो गलती से कुछ फॉर्मेट हो गया, कुछ हो गया, तो एक कुछ भी ऐसी गलती हो जाए जिससे आपका डाटा जो आपने बनाया, करंट डाटा बनाया वो गायब हो गया, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए कि उस डाटा को दोबारा आप अपने पास ला सको, क्योंकि ये सब आप ही को करना है, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, आपके ऊपर जो रहेगा वो सब कुछ आपको बता दिए भी वो चीज़ बताएगा, इसलिए आपको अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हर डाटा को सेफ बैकअप बना के चलना है, ठीक है। जैसे हम अपनी फोटोज़ को बैकअप कैसे बनाते हैं, हम इंस्टा पे अपलोड कर देते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, तो हमें अपलोड नहीं करना, उसके लिए एक फोल्डर बनाना है, कोई किसी और सिस्टम में भी सेफ करते रहना है, एक ही सिस्टम को दो सिस्टमों से ऐड कर देना है कि दोनों का डाटा सेफ होता रहे, ठीक। क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल टू डिग्री, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल वाला नहीं कर सकता है और डिग्री वाला नहीं कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, इसमें इक्विवेलेंट है, आप डिग्री वाला भी कर सकता है, हाई स्कूल वाला भी कर सकता है। अब हाई स्कूल वाला कैसे कर सकता है, डिग्री वाला, दोनों के पास कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर होगा तो जल्दी लगने के चांसेस है, या तो आपकी एक्सलेंट नॉलेज होनी चाहिए, इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बिना हाई स्कूल के भी ये जॉब पा सको, ठीक है। हाई स्कूल डिग्री लग जाती है तो यहाँ पे वीज़ा अच्छा मिल जाता है आपको, आपको एक मैनेजर असिस्टेंट ऑफिस हाँ ऐसे ही, और डाटा एंट्री, ये सब के ऑपरेटर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब के वीज़े मिल जाते हैं अच्छा, अगर आपने एजुकेशन लिया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपकी डिग्री और जो भी हो सर्टिफिकेट होगा वो जाएगा, उसके बेसिस पे वीज़ा लगता है, वरना आपका हेल्पर में वीज़ा आ जाएगा या कोई भी ऑफिस बॉय का वीज़ा लगा देती है कंपनी की, लेकिन डिग्री डिप्लोमा होता है तो एक अच्छा वीज़ा भी मिल जाता है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना होता है कि हमें वीज़ा भी अच्छा चाहिए, कि बाय द वे हम कंपनी को चेंज करें तो जब दूसरी कंपनी में जाए तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि मैं डाटा एंट्री का काम करके आया हूँ, मेरा वीज़ा काफ़ी अच्छा है, उसे अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल से लेकर डिग्री तक कर सकते हैं, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोपा होता है, ITI होता है, बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, BCA, MCA, बहुत सारे कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा, DCA, ADCA, ओ लेवल, काफ़ी कोर्सेज होते हैं, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन बता दिया, आखिरी बात बताना चाहूँगा, एक्सेलेंट नॉलेज होनी चाहिए आपकी, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS ऑफिस में जो भी चीज़ आती है, पावर पॉइंट, टैली तक भी पढ़िएगा, जिससे आप, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डाटा एंट्री के नाम पे आपसे पूरा अकाउंटिंग का काम कराते, कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिंगल आपको पूरा ऑफिस आप ही को देखना होता है, तो समझिए आप अकाउंटेंट ही हैं, बस वो डाटा एंट्री के नाम पे लेता है जिससे आपको सैलरी कम देनी पड़े, अकाउंटेंट के नाम पे लेगा तो आपको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। वो जानता है कि आप कर लोगे, आप ज्वाइन भी करोगे, आपकी मजबूरी, आप आए जॉब ढूंढने, आपको इतनी सैलरी डाटा एंट्री का ढूंढने आए थे, आपको मिल रहा, आप काम करोगे, ठीक है, इसलिए वो ये सब भी करोगे तो आपका स्किल्स बढ़ेगा, ये मत सोचिएगा कि वो अकाउंटेंट का काम करा रहा है, आपका नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बनेगी, आगे चल के आप अकाउंटेंट की ही नौकरी कर सकते हो। अगर आपने मेरा वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिससे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं, कि आपको इजिली वो चीज़ पता चल सके कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या स्किल्स होती है, कि मैं इस टाइप की जॉब की वीडियो बनाता रहूँगा, और मैं अब कुछ और भी जॉब्स की वीडियो बनाऊँगा जो इंडिया और पाकिस्तान में जॉब जो वाकई इंटरव्यू वहाँ भी चल रहे हैं, वहाँ भी जॉब की वैकेंसीज आ रही हैं,
तो वहाँ वहाँ के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।